जो हमारे प्रैक्टिकल्स हैं वो भी काफ़ी अच्छे होते हैं, जो इसका स्टडी का कोर्स है वो भी काफ़ी अच्छा है। लेकिन दिक्कत आती है एक जगह, जो कि है जॉब सिनेरियोस आफ्टर बैचलर ऑफ फार्मेसी। आपको बैचलर ऑफ फार्मेसी कंप्लीट करने के बाद जो एवरेज पैकेज मिलता है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आई एम बीइंग नागर, आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। आज की वीडियो हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि अभी नीट का रिजल्ट आया है और जिन स्टूडेंट्स को नीट में अच्छा गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिलता, उनके पास फिर बेस्ट ऑप्शन होता है बैचलर ऑफ फार्मेसी। लेकिन बहुत से स्टूडेंट बैचलर ऑफ फार्मेसी कर तो लेते हैं, एडमिशन करा लेते हैं, इनरोल कर लेते हैं, पर उनको ये नहीं पता होता कि व्हाट एक्चुअली बी फार्म कोर्स इज़। और फिर उन स्टूडेंट के फर्स्ट से थर्ड ईयर तो काफ़ी अच्छा चलता है, क्योंकि बी फार्म कोर्स में काफ़ी साइंटिफिक स्टडी होती है, काफ़ी अच्छी चीज़ें पढ़ाई जाती हैं, इसे भी मैं एक्सप्लेन करूँगा अभी। लेकिन जैसे ही फोर्थ ईयर आता है, फिर वो स्टूडेंट थोड़े से डिप्रेस होते हैं बिकॉज ऑफ जॉब सिनेरियोस आफ्टर बैचलर ऑफ फार्मेसी। तो वो डिप्रेस क्यों होते हैं, मैं ये भी आपको बताऊँगा। सबसे पहले हम बात करते हैं कि बैचलर ऑफ फार्मेसी कोर्स कौन कौन स्टूडेंट करते हैं। 60% ऑफ स्टूडेंट हमारे वो होते हैं जिनका नीट क्वालिफाई नहीं होता, तो उनके पास फिर बेस्ट ऑप्शन वो देखते हैं, तो उन्हें बेस्ट वो बी फार्म ही करते हैं, क्योंकि ये एक फोर ईयर का कोर्स है और थोड़ा टेक्निकल कोर्स हो जाता है इसलिए। उसके बाद 20% स्टूडेंट्स होते हैं जिन्हें लाइसेंस चाहिए होता है, जिनका अथॉरिटी होता है कि हम लाइसेंस मिल जाएगा, उसे हम रेंट पर दे देंगे और कुछ अपना बिजनेस कर लेंगे या कुछ और काम कर लेंगे या कहीं जॉब कर लेंगे, तो एक एक्स्ट्रा इनकम भी आ जाएगी। और थर्ड तीसरी कैटेगरी के स्टूडेंट वो होते हैं, वो विलिंगली आ जाते हैं बी फार्म करने के लिए, क्योंकि उनके पास बायो होती है, MBA, उन्हें लगता है कि नीट होगा नहीं, तो फिर उनके पास बेस्ट ऑप्शन बैचलर ऑफ फार्मेसी बचता है। तो अब बात करते हैं बैचलर ऑफ फार्मेसी कोर्स एक्चुअली में क्या है। बहुत से स्टूडेंट फर्स्ट से थर्ड ईयर में भी आ जाते हैं, उन्हें ये नहीं पता होता कि बैचलर ऑफ फार्मेसी कोर्स क्या है। देखो, ना तो हम नर्स होते हैं ना हम डॉक्टर हैं, तो फिर बैचलर ऑफ फार्मेसी फार्मासिस्ट है क्या? मैं आपको बताता हूँ, बैचलर ऑफ फार्मेसी जो होते हैं फार्मासिस्ट का मेन रोल होता है ड्रग मेडिसिन। हम पूरे मास्टर बन जाते हैं मेडिसिन के, जैसे कि मेडिसिन की रिसर्च करना, उसको आप प्रोडक्शन करना, फिर उसको मार्केट में बेचना, मार्केटिंग करना, फिर मार्केटिंग के बाद उसके साइड इफेक्ट्स तो नहीं हो रहे हैं, फार्माकोविजिलेंस, ये सब हमारे काम होते हैं। 4 साल का कोर्स होता है और कोर्स काफ़ी ज़्यादा साइंटिफिक और काफ़ी ज़्यादा टेक्निकल कोर्स होता है ये। जैसे कि इसमें आपको फर्स्ट से लेकर सेकंड ईयर तक तो काफ़ी बेसिक है, इसमें बेसिक चीज़ें बताई जाती हैं, लोगों की बेसिक लगाई जाती है स्टूडेंट्स की। आफ्टर थर्ड एंड फोर्थ ईयर ये काफ़ी ज़्यादा साइंटिफिक हो जाता है, इसमें आपको काफ़ी अच्छे सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं, जैसे कि इकोलॉजी, कोग्नोसी, हमारे मेडिसिनल केमिस्ट्री, एनालिसिस, तो ये बहुत ज़्यादा टेक्निकल हो जाता है और काफ़ी ज़्यादा साइंटिफिक। तो हमारे प्रैक्टिकल्स हैं वो भी काफ़ी अच्छे होते हैं, जो इसका स्टडी का कोर्स है वो भी काफ़ी अच्छा है। लेकिन दिक्कत आती है एक जगह, जो कि है जॉब सिनेरियोस आफ्टर बैचलर ऑफ फार्मेसी। अब बात करते हैं जॉब सिनेरियोस आफ्टर बैचलर ऑफ फार्मेसी। तो ये एक ऐसी चीज़ है जो कि स्टूडेंट्स को नहीं पता होती, मोस्टली स्टूडेंट्स को नहीं पता, वो बैचलर ऑफ फार्मेसी में आ जाते हैं और फर्स्ट से थर्ड ईयर तक काफ़ी खुश रहते हैं, लेकिन जैसे फोर्थ ईयर में आते हैं फिर उन्हें थोड़ा सा धक्का लगता है जब वो जानते हैं कि भाई जॉब सिनेरियो क्या है फार्मेसी के बाद। तो यही मेरा मोटिव है आपको बताने का, कि अगर आप बैचलर ऑफ फार्मेसी करने जा रहे हैं तो आपको पूरी कोर्स के बारे में पता हो, तो फिर आप अच्छा डिसीजन ले पाएँ कि आपको बैचलर ऑफ फार्मेसी करनी है या नहीं करनी, या आप कुछ और कोर्स करना चाहते हैं। तो मैंने जैसा कि आपको बताया कि बैचलर ऑफ फार्मेसी कोर्स बहुत अच्छा है, आप जब करेंगे आपको फील आएगा कि आप एक साइंटिफिक कोर्स कर रहे हैं, कोर्स काफ़ी अच्छा है और सारे प्रैक्टिकल्स भी काफ़ी अच्छे हैं। बात करते हैं जैसे ही आता है जॉब सिनेरियोस उसकी बात, तो बैचलर ऑफ फार्मेसी के बाद जॉब सिनेरियोस थोड़े ठीक नहीं हैं अकॉर्डिंग टू मी, क्योंकि आपको बैचलर ऑफ फार्मेसी कंप्लीट करने के बाद जो एवरेज पैकेज मिलता है वो 2 से 3 लाख पर एनम का मिलता है। और आप कहाँ कहाँ पे बैचलर ऑफ फार्मेसी के बाद जॉब कर सकते हैं, उस पर हमने एक बहुत अच्छी वीडियो बनाई हुई है, उसका थंबनेल आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, आप उसको भी देख सकते हैं। अगर मैं शॉर्ट में आपको बताऊँ तो देखो, ड्रग की रिसर्च कर सकते हैं, वो रिसर्च आप बैचलर ऑफ फार्मेसी के बाद नहीं कर सकते, उसके लिए आपको एम फार्म करनी होगी। एंड आप ड्रग का प्रोडक्शन कर सकते हैं, प्रोडक्शन में भी फिर हमारे 3 टाइप की जो बात आ जाती हैं कि आप प्रोडक्ट मतलब बना रहे हैं मेडिसिन, आप उसकी टेस्टिंग कर रहे हैं कि ठीक बनी है या नहीं है, या QA QC, ठीक है। उसके बाद बात करें वो मार्केटिंग में आ गई है, तो उसकी मार्केटिंग करना, आप ड्रग की मार्केटिंग कर रहे हैं हॉस्पिटल में जाके, जो भी हमारे डॉक्टर्स होते हैं उनको बता रहे हैं कि ड्रग ऐसी है ऐसी है, इसमें ये फ़ायदा, आप इसको प्रिस्क्राइब करें। उसके बाद वो पेशेंट ड्रग को ले रहे हैं, उनको फिर साइड इफ़ेक्ट्स हो रहे हैं, तो वो काम भी आप कर सकते हैं कोविजिलेंस का, कि आप देख रहे हैं आपके कि क्या क्या साइड इफ़ेक्ट्स कौन सी मेडिसिन के आ रहे हैं। आप हॉस्पिटल में क्लिनिकल फार्मासिस्ट भी बन सकते हैं,
तो ये इन शॉर्ट मैंने आपको बताया कि फार्मासिस्ट की जॉब्स क्या क्या होती हैं आफ्टर बैचलर ऑफ फार्मेसी। और कुछ हमारे कोर्स आईटी सेक्टर से रिलेटेड हैं, जैसे कि हमारे मेडिकल कोडिंग हो गया, मेडिकल राइटर हो गया, ऐसी फील्ड में भी आप जा सकते हैं। तो जॉब सिनेरियोस मैंने आपको बताया कि जो बैचलर ऑफ फार्मेसी के बाद आपको स्टार्टिंग सैलरी मिलती है वो 2 से 3 लाख पर एनम की ही मिलती है। अगर कुछ जॉब्स ऐसी होती हैं जैसे कि मार्केटिंग हो गया और मेडिकल कोडिंग हो गया, उसमें आपका ये जो पैकेज है ये 2 से 4 लाख पर एनम तक भी हो सकता है, वरना मोस्टली जॉब्स में आपका 2 से 3 लाख पर एनम ही होता है। और ये बिल्कुल जर्नल और बिल्कुल थ्रू से बात है, आप किसी से भी पता कर सकते हैं। और फिर उसके बाद आपको 3 से 5 साल बाद आपका इंक्रीमेंट होता है और फिर आप पहुँचते हैं 4 से 5 लाख के पैकेज पर। तो ये जो चीज़ है ये लोगों को नहीं पता होती है और वो वैसे फार्मेसी में आ जाते हैं, एंटर करने के बाद उन्हें ये चीज़ नहीं पता होती, फिर 4th ईयर में उन्हें पता लगती है तो वो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत डिमोटिवेट होते हैं। तो मैं आपको पहले बताना चाहता हूँ कि अगर आप बैचलर ऑफ फार्मेसी करना चाहते हैं आफ्टर बी फार्म 4 से 5 साल काम करने के बाद आप पहुँचते हैं 4 से 5 लाख के पैकेज पर, उसके बाद अपना अपना टैलेंट है कि आप फिर फील्ड में कहाँ पर जाएँ, तो उस पर मैं कमेंट नहीं करता, पर जनरली जो चीज़ें मैंने वो आपको बता दी है। अब बात करते हैं उन स्टूडेंट के बारे में जो बैचलर ऑफ फार्मेसी सिर्फ इसलिए करते हैं क्योंकि वो सोचते हैं कि एक लाइसेंस मिल जाएगा, उस लाइसेंस को हम रेंट पे दे देंगे 2-3 जगह, फिर वहाँ से हम रेंट आएगा और हम कहीं जॉब भी कर लेंगे। तो मैं आपको बता देता हूँ कि ये प्लान अब फ्लॉप है इंडिया में, क्योंकि अब आप अपना लाइसेंस सिर्फ एक ही जगह रेंट पे दे सकते हैं। और जब मैं बैचलर ऑफ फार्मेसी की 1st ईयर में था तो उस टाइम उत्तर प्रदेश में जो रेंट था लाइसेंस का वो 1 लाख था पर एनम, लेकिन अब इतने ज़्यादा लोग बैचलर ऑफ फार्मेसी करके बैठे हैं, इतने ज़्यादा लोगों ने डी फार्म कर लिया है, तो जो जो हमारे लाइसेंस का रेंट है वो भी काफ़ी कम हो चुका है। अब वो लाइसेंस 40,000 से 50,000 से 60,000 मेनली ये रेंट है, तो बहुत लोगों लाइसेंस तो रेंट पे जाता भी नहीं है क्योंकि बहुत ज़्यादा लोग पहले से करके बैठे हैं और बहुत लोग बहुत कम प्राइस में अपने लाइसेंस को दे रहे हैं। और अब आप एक से ज़्यादा फार्मेसी पे अपने लाइसेंस भी लगा नहीं सकते। तो अगर आपका ये इंटेंशन है कि हम बैचलर ऑफ फार्मेसी इसलिए कर रहे हैं कि एक अपना लाइसेंस मिल जाएगा और हम एक केमिस्ट शॉप खोल लेंगे, तो मुझे नहीं लगता कि ये बहुत अच्छी सोच है बैचलर ऑफ फार्मेसी करने के लिए। आपको फिर डी फार्म करने चाहिए क्योंकि आप वहाँ पे 2 साल में आपको लाइसेंस मिल जाएगा और आप अपनी केमिस्ट शॉप खोल सकते हैं। डी फार्म में 4 साल देना कोई अच्छा डिसीजन नहीं है अगर आपको सिर्फ लाइसेंस चाहिए। तो हमने बात कर ली नीट स्टूडेंट्स के लिए, हमने बात कर ली है लाइसेंस के लिए, हमने आपको बता दिया जॉब सिनेरियो और हमने बता दिया आपको फार्मेसी कोर्स क्या है और प्रैक्टिकली इसमें क्या इसकी ग्राउंड रियलिटी है। अब बात करते हैं हम सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट की, भाई इतने आपने बताया कि भाई फार्मेसी कोर्स तो अच्छा है लेकिन जॉब्स अच्छे नहीं हैं, तो अब हम क्या करें इंडिया के अंदर। मैं जैसे मुझे लगता है कि अंडररेटेड कोर्स है आज के डेट में, तो मैं आपको बताता हूँ टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। बेस्ट करियर ऑप्शंस आफ्टर बैचलर ऑफ फार्मेसी, देखो सबसे अच्छे करियर ऑप्शंस क्या क्या हैं। सबसे पहले है बिज़नेस। आप बैचलर ऑफ फार्मेसी करने के बाद आप चाहें तो अपनी प्रोडक्शन ही खोल सकते हैं। आप प्रोडक्शन कंपनी खोलनी है अपनी बनाने की फार्म ड्रग्स, तो काफ़ी प्रॉफिटेबल बिजनेस है, उसमें आपको एक्सपीरियंस भी चाहिए लेकिन आप खोल सकते हैं। उसके बाद आप अपना होलसेल लाइसेंस ले सकते हैं जिसमें आप ड्रग को पूरा अपनी पूरी सिटी का या अपने रीजन का आप किसी भी कंपनी का लाइसेंस ले लें, फिर आप ही उस ड्रग को उस रीजन में सप्लाई करें, तो ये बिजनेस में कहते हैं। या कोई अपना आप स्टार्टअप कर सकते हैं तो वो भी काफ़ी अच्छी चीज़ है। तो पहले हम कह सकते हैं, सेकेंड है आप बी फार्म के बाद हायर स्टडीज़ पर जाएँ। हायर स्टडीज़ करना बहुत अच्छा ऑप्शन होता है बैचलर फार्मेसी के बाद, क्योंकि ये आपकी प्रोफाइल भी अच्छी करता है। और बैचलर फार्मेसी के बाद आप रिसर्च में जा सकते हैं, जैसे कि अगर आप बहुत रिसर्च ओरिएंटेड पर्सन हैं और आप चाहते हैं कि आप साइंटिस्ट बने, तो बैचलर ऑफ फार्मेसी आपके लिए बेस्ट ऑप्शन रहेगा। क्योंकि एम फार्म एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट से होती है, जैसे कि इकोलॉजी हो गया, सोटिक्स हो गया, या हमारा केमिस्ट्री हो गया, या कोग्नोसी हो गया, या एनालिसिस हो गया, तो आप फिर उसमें 2 साल की एम फार्म होती है, आप वहाँ पर रिसर्च एम फार्म इज टोटली अबाउट द रिसर्च, आपको वहाँ पर रिसर्च करनी होती है। एंड थर्ड ऑप्शन अगर मैं आपको बताऊँ तो आप अब्रॉड जा सकते हैं। अगर बी फार्म के बाद अब्रॉड जा सकते हैं, अब्रॉड में काफ़ी ज़्यादा ऑप्शन है। आप अब्रॉड एज अ फार्मासिस्ट जाएँ या अब्रॉड आप एज अ स्टूडेंट जाएँ, तो वहाँ पे फार्मासिस्ट का बहुत ज़्यादा स्कोप है अब्रॉड में। तो आप कनाडा की बात करूँ अगर मैं, तो हाईएस्ट पेइंग जॉब में फार्मासिस्ट आता है। एंड अगर मैं फोर्थ बेस्ट करियर ऑप्शन बात करूँ आफ्टर फार्मेसी, तो आप ड्रग इंस्पेक्टर बन सकते हैं आफ्टर बैचलर ऑफ फार्मेसी, आप हेल्थ इंस्पेक्टर बन सकते हैं आफ्टर बैचलर ऑफ फार्मेसी, आप फार्मासिस्ट बन सकते हैं गवर्नमेंट फार्मासिस्ट, तो ये भी काफ़ी अच्छे करियर ऑप्शंस हैं आफ्टर बैचलर ऑफ फार्मेसी। एंड फिफ्थ है साइंटिस्ट, तो जैसा कि साइंटिस्ट के लिए तो आपको एम फार्म या हायर स्टडीज़ करनी पड़ेंगी, तो वो भी इसी में इंक्लूडेड होता है।
दोस्तों बी फार्म सिर्फ 6 अक्षर का शब्द नहीं है, ये बहुत बड़ी चीज़ है। तो आप समझ चुके होंगे कि आप अगर बी फार्म ही करेंगे तो आप कहाँ तक जा सकते हैं और आपकी लाइफ कैसी होगी। और अगर आप एम फार्म कर सकते हैं या जो मैंने टॉप करियर ऑप्शन बताए बी फार्म के बाद अगर आप वो चूज़ करते हैं तो आपकी लाइफ कैसी होगी। तो अब आप चूज़ कर सकते हैं कि आपको बी फार्म करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। जो जॉब सिनेरियो ना, ये बी फार्म थर्ड ईयर के स्टूडेंट्स को भी नहीं पता होता, वो भी मस्ती में रहते हैं कि बढ़िया चीज़ चल रही है, क्योंकि थर्ड ईयर हमारा बैचलर ऑफ फार्मेसी का काफ़ी अच्छा है, काफ़ी हमें अच्छे सब्जेक्ट पढ़ने को मिलते हैं। तो ये है पूरी वीडियो, मैं आशा करता हूँ कि अब आप बहुत अच्छा डिसीजन लेंगे कि आपको बैचलर ऑफ फार्मेसी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। अगर अभी भी आपका कोई डाउट है तो आप मुझे इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिए, मैं आपका रिप्लाई ज़रूर करूँगा। या आप मुझे बींग नागर इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं, वहाँ पे मैं जल्दी रिप्लाई करता हूँ। और मैं अब आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। ऐसी वीडियो, ऐसी अवेयरनेस टाइप की वीडियो पूरे यूट्यूब पे नहीं है, तो ये मैंने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझी कि मुझे लोगों अवेयर करना चाहिए कि बैचलर फार्मेसी कोर्स के बारे में, जॉब सिनेरियो के बारे में। तो मैं आशा करता हूँ आपको मेरे एफर्ट्स अच्छे लगे होंगे और आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। जो भी इस वीडियो के बारे में आपकी राय है प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं, और प्लीज़ इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें जो भी रिसर्च फील्ड में जाना चाहते हैं, उन्हें बताएं कि बैचलर ऑफ फार्मेसी बेस्ट कोर्स है रिसर्च में जाने के लिए। और जो को दो आपके दोस्त बैचलर ऑफ फार्मेसी करने की सोच रहे हैं लेकिन उनको पता नहीं है बैचलर ऑफ फार्मेसी के बारे में, जॉब ओरिएंटेशन, जॉब सिनेरियो के बारे में, तो प्लीज़ इस वीडियो को उनके साथ शेयर करें ताकि वो अच्छा डिसीजन ले सकें, बाद में रिग्रेट ना हो या बाद में लगे यार हमें तो ये चीज़ें पता ही नहीं थी। थैंक यू सो मच, आई होप यू लाइक माई एफर्ट्स। I will catch you in the next video. Signing off, being Nagar.